हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे एसके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। आप इस टेंस को अच्छे से अध्ययन करिए और अपनी नोटबुक पर लिखिए। दोस्तों, प्रेजेंट के जितने भी पार्ट्स थे, टेंस थे, हमने सबको जो है अपलोड कर दिया है। आप उन्हें भी देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में जाके। तो दोस्तों, आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, बड़ा आ, बड़ी ई, ए आदि शब्द आते हैं। जैसे दोस्तों, मैं दिल्ली में रहता था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ता था लिखा है। दोस्तों ता था, तो अगर ता था है, ती थी है, ते थे है, या लास्ट में बड़ा की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, या ए है, तो आपके वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। जैसे राज ने मेरी कहानी सुनी, सुनी में देख पा रहे होंगे दोस्तों नामे बड़ी की मात्रा लगी है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। देखिए आप लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन करिए। सबसे पहले हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट की लिखते हैं कर्ता। कर्ता यहाँ पे मैं है, आई। कर्ता के बाद हम क्रिया की दूसरी अवस्था लिखते हैं। क्रिया यहाँ पे रहना की है, लिव मीन्स रहना। लिव की दूसरी अवस्था हो जाएगी लिव्ड। फिर कहाँ रहता था, दिल्ली में, इन दिल्ली। ऑब्जेक्ट आपका दिल्ली में है, तो इन दिल्ली। अगला देख लीजिए, राज ने मेरी कहानी सुनी। सबसे पहले सब्जेक्ट राज, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था। क्रिया यहाँ पे सुनना है दोस्तों, हियर मीन सुनना है, और हियर की दूसरी अवस्था होती है हियर्ड। फिर क्या सुना, मेरी कहानी, माई मीन्स मेरी, स्टोरी मीन्स कहानी। तो हो गया दोस्तों राज, हियर्ड, माई, स्टोरी। निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, नकारात्मक वाक्य। जब आपका वाक्य नकारात्मक हो, अर्थात नहीं लिखा हो, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की लिखते हैं। जैसे वह आज मेरे घर नहीं आया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की लिखेंगे, ही। फिर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। फिर हम नॉट लिखेंगे दोस्तों, नहीं लिखा हुआ है, नॉट लिखेंगे। फिर क्रिया की पहली अवस्था, यहाँ पर क्रिया आना है, कम। फिर कहाँ, नहीं आया, मेरे घर, माई हाउस। फिर आज की, टूडे। वे कल दिल्ली नहीं गए। सबसे पहले सब्जेक्ट की दे, फिर डिड, फिर नॉट। फिर क्रिया की पहली अवस्था, यहाँ पे दोस्तों गए मतलब जाना की है, गो। फिर कहाँ नहीं गए, दिल्ली, टू दिल्ली। फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बचा हुआ, यस्टरडे। हो गया दे डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। अगला है, विद्या गीत नहीं गाती थी, ती थी दोस्तों। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की लिखेंगे विद्या, फिर डिड लिखेंगे, फिर नाट लिखेंगे, फिर क्रिया की पहली अवस्था गाना की सिंग, फिर गीत है लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। तो हो गया विद्या डिड नाट सिंग ए सॉन्ग। चलिए दोस्तों, अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको अफर्मेटिव का अध्ययन करवा दिया, निगेटिव का। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या आए, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर यदि निगेटिव हो तो नॉट लगेगा, फिर हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं दोस्तों। जैसे क्या तुम स्कूल नहीं गए, तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे सभी के साथ। फिर कर्ता है यू, फिर नहीं है नॉट, फिर क्रिया की पहली अवस्था गए मतलब जाना गो, फिर कहाँ नहीं गया टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया डिड यू नॉट गो टू स्कूल। क्या तुमने मेरी किताब नहीं चुराई, सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर हम कर्ता के लिखेंगे तुमने, सब्जेक्ट आपका यू है, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली अवस्था, यहाँ पर चुराना है दोस्तों, स्टील माने चुराना होता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या चुराई, मेरी किताब, माई बुक, लास्ट में अदर वर्ड कुछ नहीं बचा, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आप देख लीजिए बी पार्ट, जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो दोस्तों जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो सबसे पहले जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उनकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिख देते हैं। शेष नियम हम ए पार्ट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्यों की लिखेंगे व्हाई, फिर सब फार्मूला आपका है डिड, फिर सब्जेक्ट है यहाँ पर राज के बारे में बात की गई, राज की लिखेंगे, फिर नॉट, इसमें नहीं लिखा हुआ दोस्तों नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की पहली अवस्था खाना, ईट मीन्स खाना, फिर क्या नहीं खाया, खाना द फूड, भोजन नहीं खाया दोस्तों। तुम दिल्ली से पंजाब कब आए, सबसे पहले कब की लिखेंगे, व्हेन मीन्स कब, फिर हम फार्मूला का यूज करेंगे डिड,
फिर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे तुम है, यू लिख देंगे। फिर क्रिया की पहली अवस्था यहाँ पे आना है कम, फिर कहाँ आए पंजाब टू पंजाब, फिर कहाँ से दिल्ली से फ्राम दे लही। अगला है राज ने इस पत्र को क्यों नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले हम क्योंकि लिखेंगे वाई, फिर हम सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट की लिखेंगे रीना, फिर आपका निगेटिव सेंटेंस है नाट लगा हुआ है नाट लिख देंगे, फिर क्रिया की पहली अवस्था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया यहाँ पे पढ़ने की हुई है दोस्तों, तो रीड मीन्स पढ़ना। फिर क्या नहीं पढ़ा, इस पत्र को दिस लेटर, ठीक है, इसकी स्पेलिंग दिस होती है दोस्तों, फिर पत्र की लेटर, तो हो गया व्हाई डिड रीना नाट रीड दिस लेटर। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।